सिस्टम पे सिस्टम बैठा रहा चोरा जाट का। हेलो, जय बाबा की भाई सारे ने, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नरसिम्हा द जाट पे। आशा करता हूँ कि भाई सारी वीडियो पसंद आ रही होगी। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि आज पैदल यात्रा हम जाएंगे, आज से पैदल यात्रा शुरू होगी। तो हम 3 बजे उठ गए थे और अब समय हो रहा है 4 बज गए। तो 3 बजे उठ के नहा धो के पूजा करके अब हम 4 बजे पैदल यात्रा के निकल रहे हैं। बाकी तैयारी सारी हमने कर ली है, सामान पैक कर लिया है, पापा फुल रेडी है। एक बार कहते हैं पापा, एक बार जयकारा लगा दो। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय गोगा जी महाराज, जय गुरु महाराज, साचे दरबार की जय हो। माता जी भी फुल रेडी होगी है। माता जी एक बार आप भी सबको जय बाबा की बोलो। जय बाबा की, जय बाबा की। तो भाई अब हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। जय बाबा की सभी को। जय बाबा की जय। जय बाबा की, जय बाबा की। भाई सुबह की आज की तो पालक मैंने ले ली है, अभी रास्ते में गौ माता दिखेगी तो सेवा करेंगे उनकी, आगे की रास्ते भी करेंगे। अब भाई आगे पहुंच के फिर मिलेंगे। जय बाबा की। बम बम बोले बम बम, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय बाबा गुरु गोरख, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय। माता जी के हाथ में पालक है, बाबा गुरु गोरखनाथ शर्मा। आज से भाइयों गोगा मेडी गोरख टीला पद यात्रा शुभारंभ हो गया है। माता पिताजी के साथ और माता जी के साथ। जय बाबा की। आगे बाबा चलाएगा, बाबा जा हिम्मत शक्ति बाबा देगा, बिल्कुल चलाएंगे। जय बाबा की, जय बाबा की। आज का भी मिशन पूरा होगा। सुबह का 5 बजे गौ माता मिल गई, पालक मन डाल दे, हमेशा की तरह अपन नहीं अपने साथ में। अब इसको जहाँ भी डस्टबिन दिखेगा वहाँ पे डालूँगा। बाकी माता जी ये रही और पिताजी वो आगे खड़े हैं वहाँ पे। अब चलते हैं थोड़ा आगे चल के। ये पता नहीं कुत्ता क्यों भूक रहे हैं। 5 मिनट के लिए बैठे हैं, पानी की प्यास लगी थी, माता जी पानी पी रही है। बाकी पैरों में आग लग रही है भाई, बता नहीं सकता, हालत खराब हो रही है। हम पहुंच गए नंगली का मेट्रो स्टेशन पार करा अभी तो। वो बैठे हैं भाई आराम से, देखो। हेलो, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। जय पापा पानी पियो आप। ओम बोले, लगातार चलते हैं। हाँ, बीच में पानी पिया था। अच्छा, पानी नंगली मेट्रो स्टेशन पार करके वहाँ पानी पिया था। नहीं यार, रुक जाओ, मुझे पानी की टंकी जाते हैं, इतना आप लोग आ जाओगे। पानी पियो, बस फिर आगे चलेंगे। फिर आगे चल के नारियल पानी पियेंगे। हमने जबर पार करके ना, हाँ 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 हाँ, पार करके नारियल वाला। हाँ, पार करके पियेंगे। बाकी माता जी थकी थकी महसूस हो रही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये नहीं थक रहे, सबसे बड़ी बात है ये इसका वजन ज्यादा। मेरे लेगामेंट चारों टूट रहे और इसकी मम्मी का शुगर, और फिर भी पापे की यात्रा कर रही है। वजन तो आपका भी थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा मेरे भी ओवर वेट है, पर इसका ज्यादा है। कोई बात नहीं बाबा, हिम्मत शक्ति देते हैं। और फिर भी, अरे यही कह रहा है ना, दोनों मम्मी पापा को लेके चलेंगे, साथ लेके चलूँ, साथ लेके चलूँ। अरे एक के तो
सुगर अरे अकेला कर, अकेले में तो ये तक मैं रुकता पड़ता गिरता धीरे धीरे चला जाया करता। नहीं नहीं इकट्ठे चलेंगे साथ चलेंगे। इकट्ठे भाई है ना, पता नहीं भाई साथ में चल पाऊंगा ना चल पाऊंगा, ये तो है ही। ये हो गया आप तो क्या के भाग रहे हो, चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा क्या? भाई दिमाग में ये दे शुरू की चाल है, पहला दिन आगे वापस जाना भाई उसकी ये मेरी इच्छा थी। मैं तीनों इकट्ठा करे हम यात्रा, तो वो इच्छा पूरी कर दी पापा ने। ये भी इच्छा है। फिर दूसरी एक और बात है कि इसके अंदर ब्लॉग बनाने का एक लंबी यात्रा करके हम, तो वो यात्रा बाबा के दरबार की हुई सबसे बड़ी बात होगी ना ये, अब वो यात्रा बाबा के दरबार की है और वो भी पैदल गाड़ी की बजाय पैदल हुई। तो ये माया थे देखो, वो कहते हैं ना कि सब कुछ करने कराने वाला पापा है, जो कुछ है उनको बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये सब माया उसी की है सब। और बहुत अच्छी बात है भाई पापा के दरबार अपने भी 8-10 दिन में इस बहाने से बड़े सुंदर निकलेंगे। सब क्या है जगार करती, सब क्या है दूर, सब बाबा गुरु गोरखनाथ मस्त है। जय बापे की, जय बापे की। बाकी नारियल पानी पियेंगे जब मिलेंगे आपसे। माता जी भाई नजफगढ़ पार कर लिया है, बाकी मौसम कितना बढ़िया हो रहा है देखो, है ना, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। एक नंबर का बाबा पूरा साथ दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि नारियल पीने की जगह बैठेंगे रुकेंगे, तो पिताजी बैठ सकते हैं, हम भी पहुंच गए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। बैठो मम्मी, थके ना? थकते गई मम्मी, पापा तो सही चल रहे हैं। नहीं सारे सही चल रहे हैं भाई, मैं क्या बस चला रहा है पापा। मैं बहुत बढ़िया भाई, नारियल पानी पी गए तो निकाले थे पूरा लाल हो गया, अभी तो थोड़ी सी देरी हुई है, है? थोड़ी सी देर हुई है पर लगातार भी तो चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, इससे फर्क पड़ गया भाई। बीच में 5-7 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ, क्या कर दिया करा 3-4 किलोमीटर चल के मैं अभी। ओए नहीं आप मेरे भाई, 3-4 किलोमीटर चल के अपना 5-10 मिनट करा तो फिर चल के अभी 5 मिनट एक बार हवा लगा लगवा लो चलेंगे आगे। बाकी आज रोहद्र टोल तक तो पहुँच ही जाएंगे हम, कोशिश तो है बाकी बाबा कोशिश पूरी है, उससे आगे चलने की कोशिश रखेंगे, है ना मम्मी क्या कहते हो? हाँ जितनी टाइम भाई पालम गांव से चल के हम पहुंच गए हैं जाडोदा, और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सभी भाइयों ने भूखा भर रखा था, तो पापा बोले कि चल दो दो घूट मार ले, मगा तो मार लो। बाकी माता जी यहाँ पे भी विराजमान है। जय बाबा की, ठीक हो है? सही। काफ़ी लंबा चल रही भाई, मम्मी ने पूरी हिम्मत दिखाई है। बाकी पिताजी से पूछते हैं, सही चल रही है पापा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रही है। हां बहुत अच्छे सारे भाई बैठे हैं, बताए दो जय बाबा की भाई। जय बाबा हरिदास, जय बाबा हरिदास, जय बाबा हरिदास। क्या उका भर रखा था भाई, बिल्कुल अभी अभी भरा है भाई ने।
तो पिताजी कह रहे कि चल भाई दो घूट मार लो, मजा मार लो। बाकी अब यहाँ से 10 मिनट बैठ के फिर आगे की तरफ चलेंगे, फिर आपको आगे के दृश्य दिखाएंगे। ये पार कर लिया, अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे हम। माता पिता दोनों आगे चल रहे हैं। अब आगे कहीं रुक के गन्ने का जूस पियेंगे, गन्ने का जूस, नारियल पानी पी लिया था, गन्ने का जूस पियेंगे। भाई पैर दुख गए बढ़िया वाले, अंत होगा भाई, बैठेंगे थोड़ी देर विश्राम करेंगे। माता जी के भी पैर दुख गए, माता जी के भी पैर दुख गए। पिताजी आगे चल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे वो आगे चल रहे हैं। बाकी स्वाद आ रहा है, पूरा पूरा आनंद आ रहा है, बस ये थोड़ी सी शरीर की कठिनाइयां हैं, इनसे जूझते हुए इनको हराते हुए हम आगे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। पहुँच गए हैं गन्ने के जूस वाले के पास, पिताजी बनवा रहे हैं। बाकी यहाँ कहीं बैठने की जगह तो नहीं दिख रही है, ऐसे बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, बाबा के नाम पे सारी चीज मंजूर। कहाँ पे ये है ना, ये यहाँ बैठ गया। आगे आगे ए वहाँ पुल के नीचे बैठेंगे, वहाँ छाया है ना, वहाँ पुल के नीचे बैठेंगे। इधर से आ जाओ मम्मी, वहाँ छाया है ना। अब थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ के फिर चलेंगे, यार दर्द होने लग गए पैर, यहाँ पे बैठ जाएंगे। ओम बोले, ओम बोले। भाई बैठ गए, कुछ मिला तो नहीं बैठने के लिए, धरती माता के ऊपर ही बैठ गए। अपना भी आशीर्वाद धरती माता बनाए रखेगी। अब जूस पीते हैं, भाई जूस लेके आ गया, भाई जूस लेके आ रहा है, डाल दे भाई। बढ़िया बना है ना, पुदीना नींबू घेर के बोले भाई, बिल्कुल। जूस पीते हैं, जूस पीने के बाद 10 मिनट आराम करेंगे। कोई ना बोले, जूस आ गया। वो नमक लिया ना, ले लिया वो पैसे दे दिए, कितने जूस आ गया, 120 देना इसको। मास्टर जूस पी लेते हैं, आराम कर लेते हैं। भाई यहाँ आराम कर लिया, यहाँ से निकल लिए हैं। बाकी मौसम हो गया बहुत बढ़िया, देखो माता पिता निकल लिए हैं। बाकी यहाँ पे हमने आराम करा थे, पीछे आपको जगह दिख रही होगी, यहाँ पे अंगोच्छा बिछा के मैं तो सो ही गया था।
15-20 मिनट 25 मिनट सोया होगा मैं मैक्सिमम, पर नींद आई बहुत बढ़िया। घर में भी इसी नींद ना आती, ऐसी नींद आई हर देख लो मिट्टी में। वाह जय बाबा की। और अब चल रहे हैं ना, सिस्टम सारा ठंडा हो गया, तो दुख रहा है दोबारा से। आई देखो सारा दुख रहा है। बारिश आने लगी बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। तो मैं पिताजी से कहूँगा कि एक बार दिखाओ जो मैंने बैग लिया था उसका वाटरप्रूफ कवर मैंने डाल लिया है। बारिश आ रही है बहुत बढ़िया, ठंडा मौसम हो गया है। यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए, जैसे आपको पता है पीछे बूंदाबांदी हो रही थी तो चाय पीने के लिए रुके थे। अब मौसम पूरा साफ है। बाकी हमारा भाई है, इसने बहुत बढ़िया चाय बनाई है भाई। हेलो करते भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। चाय पी ली है सबने, माता जी ने पिताजी ने, और ये फुल रेडी हो गए चलने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। बाकी पैरों में दर्द हो रहा है फूल, एकदम फूल से भी ऊपर वाला दर्द हो रहा है। ये देखते आज का तक चलाएंगे बाबा हमारे। दस मिनट का ब्रेक लिया है, माता जी व्यू एंजॉय कर रही है। मैं दिखाता हूँ माता जी क्या देख रही है। माता जी ये देख रही है और पिताजी भी यहीं बैठे हैं। बैठे हैं भाई। भाई एकदम मस्त है, ठंडी हवा चल रही है बहुत बढ़िया है। और ना कोई घर की चिंता ना क्या की, जय बाबा गुरु गोविंद, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा शरीर में कष्ट जरूर हुआ है पर आत्मा बड़ी बढ़िया। बहुत बढ़िया, थोड़ा तो होता है कष्ट, बाबा के नाम पे सह लेंगे। बाबा कष्ट क्या, अब चलते भी ना डेली। बिल्कुल बिल्कुल, अब डेली रूटीन बनाएंगे। बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है, ये तो ट्रेलर है बस। जय बाबा की, बाबा गोरखनाथ, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो। भक्तों के में फुल जोश है इस टाइम, आप देख सकते हो। मौसम सुहाना है एकदम, बहुत बढ़िया। बाबा जो भी परीक्षा लेंगे पूरे सफल होंगे। फिर से बाबा ने बूंदाबांदी शुरू कर दी है, बढ़िया बूंदाबांदी हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बारिश तेज हो रही है धीरे धीरे,
तो मम्मी के बैग पे भी रेन कोट मैंने लगा दिया है। देखो पिताजी आगे जा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे तेज हो रही है बारिश। भाई यहाँ पे फलूदा वाला दिख गया, बादाम से एक फलूदा एक बार पी लेते हैं। देखा हम पैदल यात्री हैं, तो अपने अंदर से स्टूल दे दिए भाई ने, तो कह रहे माता जी आप इस पे बैठ जाओ, बहुत बढ़िया लगा। बाकी फलूदा खा रहे हैं भाई, हमारा बना रहे हैं हर श्री भैरव नाथ कुल्फी आइसक्रीम। क्या नाम है भाई सुबह नाम आपका? क्या बात है, नाम भी भाई था, बहुत कसूता ले रहा है। फलूदा खा के निकल रही है, बाकी एक बार बैठ जाते ना उसके बाद फिर चलते हैं, बड़ी समस्या होती है। कितनी दूर पहुंच गए पापा मम्मी, अब यहाँ चप्पल की सेटिंग ना हुई है, निकाल दी थी मैंने, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटिंग होने में। अब अभी टाइम हो गया 6:35, कोई रुकने की व्यवस्था अभी हुई नहीं है, अभी चल ही रहे हैं हम। यहाँ पे रुके थे, बाकी यहाँ पे पूछा ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, इनने तो साफ मना कर दिया गया, यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं होगी, अपना आके जाओ। फिर यहाँ पे चाय पी ली, अरे एक ब्रेड पकौड़ा ले लियो, और भूख लग रही थी सुबह से, रोटी भी ना खा रखी। यहाँ पे ये चाय की दुकान, ब्रेड पकौड़ा, अरे ने मना कर दिया। पापा मम्मी चाय कर रहे हैं, ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं। बाकी जो नेक्स्ट एक ढाबा आएगा वो यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है, और 5 किलोमीटर चलना इस टाइम बहुत बुरी हालत हो रही है, छाले हो गए मेरे 3, माता जी के 2, पिताजी ने तो जूते ना निकाले, निकालेंगे जब भी पता चलेगा। निकल लिए हैं यहाँ से, आगे चलते हैं, 5 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से दूसरा ढाबा, देखते हैं वहाँ जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। पापा आगे चल रहे हैं, बाकी बैठ गए थे, दोबारा चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। KMP आ गया, कुंडली मानेसर वाला सामने दिख रहा है मेरे को। जो लिखा है मानेसर कुंडली, अब इसको भी पार करके आगे ढाबा बताया, एक आगे ढाबा है। अभी समय बज गए हैं 9, बस 1.5 किलोमीटर और रह रहा है, जहाँ पे वो ढाबा है वहाँ पे वो पूछेंगे भाई से, जगह देगा ठहरने की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साइड में फुटपाथ पे आज सोना पड़ेगा। बाकी माता पिता चल रहे हैं, पिताजी
आदेश। माता जी जय बाबा की। हाथ उठा के, हाथ उठा के, जय बाबा की। वहाँ पहुँच के फिर मिलता हूँ। आ गया भाई वो ढाबा जो मैं कह रहा था, ये रहा झिलमिल ढाबा। एक बार इनसे पूछते हैं ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी या नहीं। तो भाइयों यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था हो गई है और हमने खाना वाना खा लिया है। बस मैं एडिट कर रहा था तो ये लास्ट क्लिप रह रही थी डालने में, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ फिर एडिट करूँगा। अभी टाइम बता दूँ तो अभी टाइम बज रहे हैं 11:45। हम यहाँ पर पहुँचे थे, उसके बाद खाना खाया, अब एडिट करूँगा मैं। बाकी पिताजी से आज बात करनी थी वो आज संभव नहीं है क्योंकि पिताजी की भी थकान ज़्यादा होगी और अब वो सो रहे हैं। तो कल आपसे बात कराऊंगा, जब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। वो लोग पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय बाबा की। मैं आपका नरसिम्हा दजाई।